हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ क्योंकि मैंने परचेज़ किया है न्यू फाउंडेशन जो कि मैट फाउंडेशन है, तो इसलिए मैं अपने फेस पर ऑयल प्राइमर लगा रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। और एज यू कैन सी मैंने अपने आईब्रोज फिलअप कर लिए हैं। ये ऑयल प्राइमर बहुत ही अच्छा है, मेरी स्किन को बिल्कुल बेबी सॉफ्ट और मॉइस्चराइज कर देता है। अब अपने पोर्स को फिलअप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का पोर फैशनल प्राइमर। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन की 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। इसे मैंने रिसेंटली नायका पिंक फ्राइडे सेल से परचेज़ किया है। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है और बहुत अच्छी कवरेज भी देती है। थोड़ी सी मैट है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे इसके नीचे ऑयल प्राइमर यूज़ करना पड़ता है। और इसे मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ये फाउंडेशन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा मैट लगा, मुझे काफ़ी ड्राई फील हो रही थी मुझे अपनी स्किन पर। आई थिंक मुझे इस फाउंडेशन के अंदर ऑयल मिक्स करके ही अप्लाई करना चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी। बट इसकी फिनिश बहुत ही अच्छी है, काफ़ी वेलवेटी फिनिश है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डेफिनेटली इस फाउंडेशन को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। फिटमी से इसका फॉर्मूला थोड़ा सा थिक है, बट ये काफ़ी अच्छी कवरेज देती है फिटमी से। यू कैन सी कि ब्रश से काफ़ी अच्छा फिनिश आ रहा है इसका। और अब क्योंकि ये थोड़ी सी थिक फाउंडेशन है इसलिए मैं इसको एक ड्रैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ फिर से, ताकि जो भी एक्सेस फाउंडेशन है वो ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर ले। कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ LA Girl HD Pro कंसील इन द शेड क्रीमी बेज। और ये शेड मेरे स्किन टोन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है। और इसे भी मैं सेम फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, फिंगर्स यूज़ करने से काफ़ी अच्छा कवरेज भी मिलता है, बट आज मैं ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे फेस पर कवरेज की ज़रूरत है वहाँ मैं इस कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पैक का स्पॉटलाइट कंसीलर इन द शेड 02। ये भी बहुत अच्छा कंसीलर है, काफ़ी अच्छी कवरेज देता है। थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक है इसलिए मैं इसे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। आज मैं अपने पूरे फेस को सेट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने फाउंडेशन मैट यूज़ किया है। अपने अंडर आई एरिया को सेट करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो ये बनाना पाउडर है, इट्स वेरी गुड गाइस। ये बहुत ही अच्छे से कवरेज भी देता है और अच्छे से सेट कर देता है अंडर आई एरिया को, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है। ये बहुत ही अच्छा पाउडर है। और अपने फेस को कॉन्टूर करने के लिए आज मैं क्रीम कॉन्टूर करूँगी, और उसके लिए मैंने यहाँ पर LA Girl का कंसीलर लिया है। इसे मैं अपने फेस के पैरामीटर पर लगाऊंगी। और इस कंटूर को ब्लेंड करने के लिए भी मैं सेम फाउंडेशन ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन ब्रश को यूज़ करने से कंटूर जो है काफ़ी सटल दिखता है और बिल्कुल नेचुरल दिखता है। और अपने नोज़ पर कंटूर को ब्लेंड करने के लिए मैं फिंगर्स को यूज़ कर रही हूँ ताकि ये प्रिसाइजली ब्लेंड हो जाए। अपने कंटूर को थोड़ा सा शार्प इफ़ेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसे भी ब्लेंड कर दूँगी कंटूर के साथ। अपने फेस को थोड़ा और वार्मथ देने के लिए मैं यूज़ करूँगी हूला ब्रॉन्जर और इसके लिए मैं यहाँ फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि बिल्कुल नेचुरली ब्रॉन्ज्ड स्किन लगे। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ब्लश पैलेट और इसमें से मैं ये पीच कलर ले रही हूँ। और क्योंकि मुझे मेरा फेस बहुत ज़्यादा ड्राई और पाउडरी लग रहा है इसलिए मैं आई मेकअप से पहले ही अपने फेस को सेट कर रही हूँ और मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। देन आई मूव ऑन टू आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा मॉर्फी का 39A पैलेट। आज मैं टील आई मेकअप करने वाली हूँ और सबसे पहले मैं ये लाइट पीच कलर को एक ब्लेंडिंग ब्रश पर अपने ट्रांजिशन एरिया पर लगाऊंगी। ये कलर काफ़ी लाइट है, मैंने 2-3 बार इसे पैक करके ब्लेंड करने का ट्राई किया बट ये काफ़ी लाइट है मेरे स्किन टोन से। देन आई मूव ऑन टू सेकेंड ट्रांजिशन कलर। इस कलर को मैंने एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश पर लिया है और इससे मैं अपनी क्रीज को थोड़ा सा और वार्म अप करूँगी। आई एम सॉरी फॉर द एंगल गाइज बिकॉज इस वीडियो को मैं डे लाइट में ही शूट कर रही थी और अचानक से सन चला गया, बारिश का मौसम हो गया तो मुझे भी लाइटिंग की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सो प्लीज़ बेयर विद मी। इस कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लेके आ रही हूँ। देन एक पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश पर मैं ये डार्क रेडिश कलर ले रही हूँ और इसे अपने आउटर कॉर्नर्स को इंटेंसिफाई करूँगी और इसे धीरे धीरे अपनी क्रीज में लेकर जाऊँगी। बेसिकली इस कलर को मैं और इंटेंसिफाई कर रही हूँ। देन मैं ये डार्क मॉव कलर ले रही हूँ और इसे मैंने एक बहुत छोटे प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश पर लिया है। इसे मैं बेसिकली अपने आउटर कॉर्नर्स को इंटेंसिफाई कर रही हूँ और बहुत ही छोटे स्ट्रोक्स में मैं इसे ब्लेंड करूँगी। इस कलर को भी मैं अपनी क्रीज में ट्रांजिशन कलर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ पर अगेन पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और मैं इन दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श एजेस नहीं रहें। एज यू कैन सी कि मैंने दोनों आईज अपने कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पर अपनी क्रीज को कट कर रही हूँ। इस कंसीलर को मुझे सेट नहीं करना है बल्कि जब तक ये थोड़ा सा टैकी है। मैं यहाँ पर ये शिमरी टील कलर ले रही हूँ और पहले मैंने इसे ब्रश से अप्लाई किया तो मुझे अच्छा पिगमेंट नहीं मिल रहा था इसलिए अब मैं इसे फिंगर से लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ कॉर्नर के कलर को एक बार फिर से इंटेंसिफाई कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर एक छोटा फ्लैट ब्रश यूज़ किया है और इन दोनों कलर के एजेस को भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट करूँगी। सबसे पहले मैंने ये सेकेंड ट्रांजिशन कलर लिया है। नेक्स्ट ये डिफाइनर ब्रश पर मैं डार्क रेड कलर ले रही हूँ और इसे भी मैं लोअर लैश लाइन के बिल्कुल पास में ब्लेंड करूँगी। एज यू कैन सी कि मेरा एंगल हर बार चेंज हो रहा है बिकॉज लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मैं आर्टिफिशियल लाइट ऑन नहीं करना चाह रही थी। और लास्ट में मैं डार्क मॉव कलर को डिफाइनर ब्रश पर लेकर पैक कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन के पास। अपनी वाटर लाइन पर मैं मेबलिन का आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड नेम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। काफ़ी अच्छा कलर है, बिल्कुल टील कलर है और काफ़ी शिमरी भी है ये। सो गाइज़, मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। लैशेज़ आर ऑन और मैंने विंग लाइनर भी लगाया है। आप चाहें तो इसके साथ स्मोकी आईलाइनर भी कर सकते हैं। अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को मैं हाईलाइट करूंगी। हाइलाइटर के लिए आज मैं यूज़ करूंगी मेरा फेवरेट पैक का हाइलाइटर इन द शेड 05। लिपस्टिक में यूज़ करूंगी मेरा फेवरेट कलर पॉप का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड बम्बल। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप ये टील मेकअप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो टील आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल क्लासी और सेक्सी दिखता है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑल्सो गाइज, मुझे ज़रूर बताइए कि आप मेरे चैनल पर किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, मेकअप वीडियोज़ या कुकिंग वीडियोज़ या स्किन केयर वीडियोज़। अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा। आई रियली अप्रिशिएट गाइज अगर आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस नहीं कर पाएँ। सो गाइज, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।